हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आपका एक और नया लेक्चर, जिसमें आज हम कुछ आगे पढ़ेंगे वेल्डेड जॉइंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें वेल्डेड जॉइंट के बारे में डिस्कस की थी, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 25 था। ये लेक्चर नंबर 26 है मशीन डिजाइन का। कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। सभी टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाए गए हैं मशीन डिजाइन के, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं किसी को कोई पैसा नहीं देना है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, वेल्डेड जॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, तो अब हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेल्डेड जॉइंट के एडवांटेजेस, उसके लाभ। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, लाभ होते हैं सारे फायदे, ठीक है, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला एडवांटेज है, और आपको पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि आप कोई भी वेल्डेड जॉइंट के चार एडवांटेजेस और चार डिसएडवांटेजेस बता दीजिए, तीन नंबर। तो इतनी आसान चीजें, दो तीन चीजें आपको माइंड में रखनी है और आपको आंसर दे देना है। देखिए, जो पहला एडवांटेज है हमारे वेल्डेड जॉइंट का, वो है कि ये स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और परमानेंट जॉइंट बनाता है। एकदम स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल मतलब कि एकदम से ना टूटने वाला, और परमानेंट जॉइंट बनाता है। ठीक है, परमानेंट जॉइंट मतलब कि उसको सिर्फ तोड़ करके ही अलग किया जा सकता है, बिना तोड़े उस जॉइंट को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कौन से जॉइंट हो जाते हैं, परमानेंट जॉइंट हो जाते हैं। टेम्परेरी जॉइंट कौन से जॉइंट थे, टेम्परेरी जॉइंट्स वो जॉइंट थे जिनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, जैसे नकल जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट। परमानेंट जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट, रिविटेड जॉइंट, ये सब कौन से जॉइंट्स होते हैं, परमानेंट जॉइंट होते हैं, जिनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं दूसरा एडवांटेजेस है, इट इज सिंपल प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन ग्रेट फिनिश। तो ये क्या है, जो हमारा वेल्डेड प्रोसेस है, जो वेल्डिंग का प्रोसेस है, ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करती, या चार साइंटिस्ट को बुला के वेल्डिंग नहीं कराया जाता। बहुत क्या है, दो नॉर्मल वर्कर भी, एक वर्कर भी बहुत आसानी से क्या कर देता है, वेल्डिंग कर देता है। तो हुई ना एकदम सिंपल प्रोसेस। और फिनिशिंग कैसी आती है, अगर वो क्या है, स्किल्ड है, तो बहुत अच्छी फिनिश वेल्डिंग से आ जाती है। कभी कभी तो इतनी अच्छी फिनिश आ जाती है कि ग्राइंडिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तीसरा आता है, इट कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी प्लेस। वेल्डिंग को हम कहीं भी कर सकते हैं, छोटी छोटी शॉप्स में वेल्डिंग की जाती है, छोटी छोटी दुकानों में वेल्डिंग की जाती है, आप सबने होते हुए देखी होगी। बहुत तरह की वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, सारी वेल्डिंग, लेकिन कोई भी वेल्डिंग कहीं भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो, जहां इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की जरूरत है, वहां बिजली का होना तो जरूरी है ना। गैस वेल्डिंग कहीं भी कर लेते हैं, अगर आपके पास ऑक्सीजन है और कैल्शियम कार्बाइड है तो। लेकिन कहने का मतलब क्या है, ये कहीं भी परफॉर्म की जाती है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एरोप्लेन है कि इसको उतरने के लिए रनवे ही चाहिए, किसी और रोड पर नहीं उतरेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यूज इन कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल एंड मैनी मोर इंडस्ट्रीज। तो और देखो, वेल्डिंग का इस्तेमाल तो बहुत सारी जगह किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लोगों के घर बनते हैं, घर बनते हुए सबने देखा होगा, जब घर बनता है तो घर का गेट बनता है, मेन गेट, उसमें क्या होता है, वेल्डिंग होता है। घर की जो विंडोज होती हैं उनमें ग्रिल लगती है, क्या होता है, वेल्डिंग होता है। घर की टेरिस पे एक जाल लगता है, उसमें क्या होता है, वेल्डिंग होता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे क्या होता है, वेल्डिंग होता है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, ऑटोमोबाइल में क्या है, बहुत सारी जगह पे वेल्डिंग होता है ना, बहुत सारे पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। चेसी पे आपका वेल्डिंग होता है, गाड़ी की मेन तो चेसी है, उस पे ही वेल्डिंग होता है। और आपकी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बिना वेल्डिंग के बनाने पॉसिबल नहीं है। अब हम इसके पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। तो वेल्डिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हानियां, इसकी क्या हानियां हैं। तो इसकी कुछ दो तीन मेन डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आप फेस करनी आपको पड़ सकती है अगर आप क्या करें, लापरवाही करें। तो लापरवाही का नतीजा क्या होता है, हमेशा गलत होता है, बुरा होता है, लापरवाही नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, हजार्डस हो सकती है। हजार्डस का मतलब क्या होता है कि आपको करंट लग सकता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने लापरवाही की तो आपकी हालत कुछ इस कार्टून के जैसी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुली अपने टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, दूसरा आ जाता है डिफिकल्ट टास्क
टू डिसमेंटल द जॉइंटेड मटीरियल थ्रू वेल्डिंग। तो डिफिकल्ट टास्क है डिसमेंटल करना जॉइंटेड मटीरियल को जो कि वेल्डिंग के साथ जोड़ा गया है। अगर हमने क्या किया है, कोई दो प्लेट्स हैं, सपोज ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, मेरे पास दो प्लेट्स हैं, इन प्लेट को मैंने वेल्डिंग की मदद से आपस में जोड़ दिया। अगर मैंने इन्हें वेल्डिंग की मदद से आपस में जोड़ दिया है तो इनको अलग अलग करना आसान काम नहीं होता है, तो ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। तीसरा आ जाता है रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो क्या है, एक स्किल्ड लेबर की जरूरत है। अगर आपसे मेरे से हमें हाथ में जो है वेल्डिंग मशीन दे दी जाए और कहा जाए दो पार्ट्स आपस में जोड़ दीजिए, तो हो सकता है हम जोड़ भी दें लेकिन उतनी फिनिशिंग के साथ हम नहीं जोड़ पाएंगे जो कि कौन जोड़ सकता है, एक स्किल्ड लेबर जोड़ सकता है, एक स्किल्ड आदमी जो क्या कर रहा है बार बार वेल्डिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं आपसे ये नहीं बोलता कि आप वेल्डिंग की प्रैक्टिस करने लग जाएं, आप लोग वेल्ड नहीं करना सीखना है आपको, ठीक है। यू आर नॉट अ लेबर, यू आर नॉट अ वर्कर, यू ऑल आर इंजीनियर्स, यू ऑल आर मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स का वर्क कीजिए। मैं बहुत बच्चों को देखता हूं कि पॉलिटेक्निक के मैं जहां जॉब करता हूं, मेरी एक नॉर्मल सी जॉब है, तो वहां जब मैं जॉब करता हूं तो वहां बहुत बच्चे पॉलिटेक्निक के ट्रेनिंग पर आते हैं जिनसे बिल्कुल वर्कर वाला काम कराया जाता है, एकदम वर्कर वाला, और वो बड़े खुश होकर करते हैं। भाई क्यों, यू ऑल आर इंजीनियर्स, आप वो मेंटेलिटी रखिए ना अपने पास। वो वर्कर्स के साथ काम करके बहुत खुश है, क्यों खुश है आप लोग, आपकी एक्सपेक्टेशन तो कम से कम यहां वहां रखिए आप। क्यों, फर्क है, फर्क ये है कि यू ऑल आर इन इंजीनियरिंग, आप लोग क्या है, सब इंजीनियरिंग में है, ठीक है। आप लोग कोई नॉर्मल कोर्स नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। तो आप प्रोफेशनल तरीके से सोचेंगे तो तभी आपको क्या होगा, आपको ग्रोथ मिलेगी। अदरवाइज होता क्या है मैं बता देता हूं, ठीक है, पहले इसको समझो फिर बताता हूं। और इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत भी हमें होती है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन कुछ वेल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत नहीं होती, ऑल्दो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब समझो देखो टॉपिक क्या था, ये तीनों चारों अपनी कॉपी में नोट कर लेना ताकि आपको ये आगे हेल्प करें जब एग्जाम में आपसे पूछे। होता क्या है रियल लाइफ में, मैं बता देता हूं, जब आप प्रोफेशनल कोर्स में होते हैं तो आप होते हैं यहां पर, ठीक है, आप यहां होते हैं और आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो यहां होती है, यहां एक्सपेक्टेशन कहां है, यहां कि मैं ये बन जाऊंगा, मुझे एक बहुत ही बढ़िया जॉब मिल जाएगी, मैं कार ले लूंगा, मैं होम ले लू, घर ले लूंगा, ठीक है, मेरी बहुत अच्छी सैलरी होगी, ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, मैं आईफोन ले लूंगा, है ना, ये एक्सपेक्टेशन है आपकी। लेकिन ये जो बीच का गैप है ना, ये जो खालीपन है, इसको आपको फुलफिल करना होता है। सिर्फ एक चीज है जो आज आपको बता रहा हूं, वो है हार्डवर्क। जो लोग हार्डवर्क करते हैं वो इस गैप को फुलफिल कर पाते हैं, अदरवाइज कोई इसको फुलफिल नहीं कर पाता। और जब आपकी ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जब ये पूरी नहीं होती, आपको लगता है यार कुछ हो ही नहीं पा रहा लाइफ में, क्यों, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर पा रहे, आपको 20 घंटे की नींद चाहिए, है ना, 12-12 घंटे सो रहे हैं हॉस्टल में, तो क्या होता है फिर ये चीज पता है किस में चेंज हो जाती है, ये चीज डिप्रेशन में चेंज हो जाती है। आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं लाइफ से, फिर आप बोलते हैं मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में नहीं गए, आपको इस गैप को जिस चीज से फुलफिल करना था आपने उसको फुलफिल नहीं किया, ठीक है। तो मेहनत करते रहें। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, वेल्डिंग का, टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। देखिए बच्चों, अब जब मैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट की बात करता हूं तो हमारे ये जो टाइप्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक है लैप जॉइंट और एक है बट जॉइंट, दोनों याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे बहुत। एक हो गया आपका लैप जॉइंट और एक हो गया आपका बट जॉइंट, लैप जॉइंट बट जॉइंट, लैप जॉइंट बट जॉइंट, दोनों याद हो गए। अब जो हमारे लैप जॉइंट होते हैं इनको फिलेट जॉइंट भी बोला जाता है, तो बहुत सारी बुक में क्या मिलेगा, लैप जॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, और बहुत सारी बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा, फिलेट जॉइंट लिखा हुआ मिलेगा। तो चाहे लैप जॉइंट लिखा हो चाहे फिलेट जॉइंट लिखा हो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो कितने टाइप्स के हुए वेल्डिंग जॉइंट, दो टाइप्स के हुए, लैप जॉइंट बट जॉइंट, और लैप जॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फिलेट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फिलेट जॉइंट है ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पैरेलल फिलेट,
और एक होता है ट्रांसवर्स फिलेट। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरेलल फिलेट और एक होता है ट्रांसवर्स फिलेट। अब जो ट्रांसवर्स फिलेट है ये भी अगेन दो टाइप के हैं, कौन कौन से? एक है सिंगल ट्रांसवर्स और एक है डबल ट्रांसवर्स। ठीक है, अब इस टेबल को आप जल्दी से कॉपी में बना लीजिए अपने। वेल्डिंग के टाइप्स दो टाइप के, लैप जॉइंट बट जॉइंट। लैप जॉइंट को क्या बोलते हैं? हम फिलेट जॉइंट बोलते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, पैरेलल और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स अगेन दो टाइप के हैं, सिंगल और डबल। अभी आपको समझाते हैं डिटेल में इसको। ठीक है, अब यहां पे इस क्या है, इसी डायग्राम को अलग तरीके से बनाया गया है यही, लेकिन बुक में क्या है इस तरीके से आपको बनाया गया है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट दो टाइप का, लैप जॉइंट बट जॉइंट। लैप जॉइंट को क्या बोलते हैं? फिलेट जॉइंट बोलते हैं। सिंगल फिलेट ये आ गया, डबल फिलेट ये आ गया और पैरेलल फिलेट ये आ गया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। दूसरा बट जॉइंट, बट जॉइंट के क्या है अपने पांच टाइप है। एक होता है स्क्वायर बट जॉइंट, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सिंगल वी बट जॉइंट, सिंगल यू बट जॉइंट, डबल वी बट जॉइंट, डबल यू बट जॉइंट, ये पांच टाइप के हैं। बेसिकली हैं दो ही टाइप के, सिंगल डबल लगा दोगे तो चार हो जाएंगे और स्क्वायर अलग हो गया। तो सिंगल वी डबल वी, सिंगल यू डबल यू और स्क्वायर बट जॉइंट, समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब पहले हम पढ़ेंगे लैप जॉइंट के बारे में कि लैप जॉइंट कौन से जॉइंट होते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि लैप जॉइंट को ही कौन से जॉइंट बोला जाता है, फिलेट जॉइंट बोला जाता है। इन दिस टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट वन प्लेट इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर प्लेट एंड वेल्डेड टुगेदर बाय वेल्डिंग। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इस प्रकार के वेल्ड जोड़ों में एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखा जाता है और वेल्डिंग द्वारा एक साथ वेल्ड किया जाता है। तो कौन सा जॉइंट बनता है? वेल्ड जॉइंट बनता है। मैंने क्या किया, मैंने दो प्लेट ली है, एक प्लेट ए एंड प्लेट बी। कौन सी प्लेट है? दो प्लेट है, प्लेट ए प्लेट बी। अब मैंने क्या किया, मुझे बनाना था लैप जॉइंट, तो मैंने क्या किया प्लेट ए के ऊपर प्लेट बी को रखा और इन्हें जोड़ दिया। अगर इन्हें जोड़ा तो जो जॉइंट बना, जो जोड़ बना, उसको कौन सा जोड़ बोलेंगे? उसको बोलेंगे लैप जोड़, लैप जॉइंट उसको बोलेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं इसको। अब यहां पर आ जाता है सिंगल फिलेट लैप जॉइंट। सिंगल फिलेट लैप जॉइंट में आप देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप का आपको नजर आ रहा है, ये रहा, इस टाइप का आपको नजर आ रहा है। तो ये क्या है कि सपोज आपने दो प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखा और सिर्फ ऊपर जो है वो वेल्ड किया, सिर्फ इस एरिया में आपने वेल्ड किया, इसको पूरा फिल कर दिया, तो ये जो जॉइंट बनाएगा उसको बोलेंगे हम सिंगल फिलेट लैप जॉइंट। उसको क्या बोलेंगे? सिंगल फिलेट लैप जॉइंट बोलेंगे। दूसरा आ जाता है डबल फिलेट लैप जॉइंट। सेम, आपने दोनों प्लेट्स को ऊपर नीचे रखा और ऊपर भी फिलेट बनाया और नीचे भी फिलेट बनाया, यानी कि ऊपर से भी वेल्ड किया और नीचे से भी वेल्ड किया, तो उसको बोलेंगे हम डबल फिलेट लैप जॉइंट। क्या बोलेंगे? डबल फिलेट लैप जॉइंट हम उसको बोलेंगे। आगे देखते हैं पैरेलल फिलेट लैप जॉइंट। पैरेलल फिलेट लैप जॉइंट में क्या करते हैं कि हमने दो प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखा और पैरेलली फिलेट बनाया, यानी कि इधर भी वेल्ड किया और इधर भी वेल्ड किया, तो दोनों जो प्लेट्स हैं ठीक है उन पर जो वेल्ड हुआ वो क्या है आपस में पैरेलल है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम पैरेलल फिलेट लैप जॉइंट। एक और कंसेप्ट इसमें है, वो समझिए आप क्या है। जो पैरेलल फिलेट है उसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेल्डिंग क्या होगी? पैरेलल होगी। यानी कि ये देखो मैंने कैसे किया वेल्डिंग, इस दिशा में वेल्डिंग किया और लोड भी किस दिशा में लग रहा है? इसी दिशा में लग रहा है। ये समझ रहे हो, जो आपका वेल्ड हो रहा है वो भी सेम दिशा में है और जो हमारा लोड लग रहा है वो भी सेम दिशा में है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेल्डिंग आर इन सेम डायरेक्शन, तो वो कौन से होंगे? पैरेलल फिलेट लैप जॉइंट होंगे। ठीक है, क्या होंगी दोनों लाइंस? क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और जब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स फिलेट की, तो ट्रांसवर्स फिलेट में क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेल्डिंग शुड बी परपेंडिकुलर। पैरेलल फिलेट में क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेल्डिंग क्या है? पैरेलल है। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेल्डिंग है उसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेल्डिंग परपेंडिकुलर है। देखो कैसे पता मुझे,
कि यहां पे जो मैंने ट्रांसवर्स फिलेट बनाया इसमें जो वेल्डिंग हुई वो इस डायरेक्शन में हुई, लेकिन लोड जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स में जो दोनों की लाइंस होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और जो पैरेलल होगा उसमें लाइंस को कैसी होंगी, दोनों पैरेलल होंगी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस टॉपिक का। अब एक बात बताइए कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेल्ड अगर पैरेलल है तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, इनमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, इसमें शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। तो जो फेलियर होगा वो किस स्ट्रेस की वजह से होगा, शियर स्ट्रेस की वजह से होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है एक वर्ड में कि जो पैरेलल फिलेट है उसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो कौन सा स्ट्रेस है। तो देखो पैरेलल है, शेयर स्ट्रेस है, तो फेलियर भी जो होगा वो किस स्ट्रेस की वजह से होगा, शेयर स्ट्रेस की वजह से होगा। ये आपको याद रखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और भी स्टूडेंट्स से अगर आपको अच्छा लगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो और भी स्टूडेंट्स से इसको शेयर करें। आपकी सपोर्ट, आपकी हेल्प मुझे हमेशा चाहिए होती है, हमेशा करते रहें और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।